फ्रेंड्स, मैं हरविंदर कौर, तुसी देख रहे हो इंग्लिश विद रूप। अज मैं तुहानू नैक्सट क्यू कार्ड करवाउन जा रही हाँ, जिसकी स्टेटमेंट है डिस्क्राइब अ थिंग यू बॉट एंड यू आर हैप्पी अबाउट। कहिंदे जो कोई चीज़ तुसी बॉट कीती, परचेज कीती, उसके लिए तुसी खरीदी तो उस बारे तुसी खुश हो पूरा, जिहड़ी चीज़ तुसी खरीदी है। एक्सप्लेन वाई यू बॉट इट, तुसी क्यों यह चीज़ खरीदी है। वाई यू सिलैक्टेड दिस प्रोडक्ट, तुसी यह प्रोडक्ट क्यों सिलैक्ट किया है। फ्रॉम वेयर यू परचेज इट, तुसी कितों यह परचेज की है। एंड एक्सप्लेन वाई आर यू सो हैप्पी अबाउट इट, तो तुसी दसना है कि तुसी इस दे रिलेटेड इन्ने हैप्पी क्यों है, खुश क्यों है। सो स्टार्टिंग करेंगे पहला इंट्रोडक्शन। जस्ट लाइक एवरी अदर पीपल, कहिंदे दूजियां दी तरह आई ऑल्सो हैव टू बाय थिंग्स फॉर माई सैल्फ एंड माई फैमिली। कहिंदे मैं अपने लिए चीज़ां बाय करती हाँ, अपनी फैमिली दे लिए बाय करती हाँ। एंड इट्स नॉट दैट आई ऑलवेज फील हैप्पी अबाउट माई चॉइसिस और परचेजिस। कहिंदे मैं कदे लाइक ये नहीं हुंदा कि मैं हरेक बारी खुश ही हुंदी हाँ, बट टूडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट बाइंग अ प्रोडक्ट विच रियली मेड मी हैप्पी। पर कहिंदे इत्थे मैं वो प्रोडक्ट बारे दसन जा रही हाँ जिहदे नाल मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी फील किया, वो थिंग दसन जा रही हाँ। सो आई हैव बॉट अ लैपटॉप, आई हैव बॉट अ लैपटॉप फ्रॉम द ऑनलाइन वैबसाइट। तुसी इहदे विच वैबसाइट मैनशन करना चाहते हो कर सकते हो। दिस इज़ द एज ऑफ टैक्नोलॉजी एंड यूजिंग द इंटरनेट विद मोबाइल फोनस इज नॉट वेरी एफिशियंट। कहिंदे अजकल एक टैक्नोलॉजी का युग है, सो इहदे विच कहिंदे मोबाइल ते इंटरनेट यूज़ करना इन्ना ज़्यादा एफिशियंट नहीं हैगा। समवन मे ब्राउज द इंटरनेट और सोशल नैटवर्किंग वैबसाइट्स temporarily on a mobile network. So कई लोग कहते temporary base ते use करते हैं, but that is not a suitable for any large scale jobs. पर यह कहते large scale jobs के लिए suitable नहीं हैगा। Often I have to perform some official task. So कहते जिमें मैनू भी कुछ task perform करने होंगे using the internet, and this is almost impossible by using the cell phone. तो कहते मेरे लिए impossible है भी मैं सैलफोन लाइक सैलफोन तो यूज़ नहीं कर सकती, दैट्स वाई मैं यह लैपटॉप बॉट किया। बिसाइड्स आई लाइक वॉचिंग मूवीज़, इस तो अलावा कहते मैं इससे मूवीज़ भी देख सकती हाँ फॉर रिक्रिएशनल परपसिज, एंड माई सैलफोन इज अनेबल टू कम विद सच स्पोर्ट फॉर मी। मोर ओवर माई पेरेंट्स आर रिलीजियस एंड दे लव लिसनिंग रेकिटेशंस, एंड अ लैपटॉप कैन सर्व दिस बेस्ट। सो रेकिटेशंस शब्दों को कहा जाता है धार्मिक शब्द। कहते मेरे पेरेंट्स रिलीजियस ने तो इसके शब्द भी आराम नाल सुन सकते हैं, बेस्ट हो है उन्होंने लिए। कंसिडरिंग ऑल सच मैटर्स आई डिसाइडेड टू गैट अ लैपटॉप, तो करके मैं कहते लैपटॉप लैन लिए सोचा सी। सो आई हैव bought a laptop last month and have been using for around 3 weeks. Kende main ye laptop last month hi khareeda te I have been using for around 3 weeks, te 3 weeks hoye ne main use karde nu. By this time the laptop has proved its worth. ते कहते मैनू इदा लगता कि मैं इसकी कीमत वसूल कर ली हो। वर्थ मतलब के वधिया मेरा एक्सपीरियंस रहा। इट हैज़ एन आउटस्टैंडिंग चार्जिंग बैकअप, कहते एक आउटस्टैंडिंग चार्जिंग बैकअप है, एंड द बैटरी लास्ट फॉर 7 hours अप्रोक्सीमेटली वंस इट इज़ चार्ज कंप्लीटली। कहते 7 घंटे की बैटरी कट जाने जो एक बार फुली चार्ज किया हो। बिसाइड्स माई पेरेंट्स आर ऑलसो यूजिंग इट and they are happy too. kende oh bhi isnu use karde ne te oh bhi bahut khush ne. I plan to use the internet modem but my father has arranged a broadband internet connection. kende main socha si ki main modem arrange karun but mere parents ne mere father ne mainu internet connection lagwata broadband lagwata. so using the internet is no longer a problem for us. kende koi vaddi problem nahi hai gi sade layi. I have 2 younger sisters and they are also careful about using the laptop. So meriyan ko kende 2 younger sisters ne oh vi kende inu carefully use karde ne. they mostly use the laptop when I am not home and watch cartoons and animated movies on the internet. kende oh movies vagaira vi dekhde ne. my mother takes care of the laptop and she is responsible for keeping it safe and clean from dust. so kende meri mother idi like pure care karde ne te sara da dhyan rakhde ne. so eh tusi last ch keh sakde ho ki ehi laptop si jo main bought kita si. first follow up question hai,
Did you tell anyone after buying it? ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? Yes, definitely. I showed to my friends because they are very close to my heart. ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ ਐਂਡ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਈ ਥਿੱਕ ਐਂਡ ਥਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦਮ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਹੈਡ ਆਲਸੋ ਵਾਚਡ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਮੂਵੀ ਔਨ ਮਾਈ ਲੈਪਟਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਮੂਵੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ What are your thoughts about trend that people buy new things instead of repairing the old ones? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਬਾਰੇ ਕੀ ਥੋਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਟਰੈਂਡ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵਟ ਆਰ ਯੂਅਰ ਥੋਟਸ ਅਬਾਊਟ ਟਰੈਂਡ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਬਾਏ ਇਸ ਟਰੈਂਡ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਥੋਟ ਹੈ ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬਰੋਟ ਵਿਦ ਇਟ ਦਾ rise in standards of living for most of the world and people can afford to buy new things instead of getting the old things repaired kende inni jyada like westernization ho gaya industrialization ho gaya ede naal inne jyada standard of living lokan da vadhiya ho gaya ta lok ki karde ne prefer karde ne navi cheez buy karna purani cheez nu repair karan di bajaye this has indirectly resulted in the increase in the amount of waste that is produced each year via the disposal of old things so kehne jo old things nu disposal karke ede naal waste create hunda so eh apa keh sakde ek negative trend hi aa third question is increasing consumerism a good trend tusi inu negative vi keh sakde ho positive vi keh sakde ho both vi keh sakde ho so consumerism is a positive phenomena that fuels economic growth kehnde ek positive phenomena jide naal economic growth up hundi aa consumerism has its advantages ki advantages ne the consumer chooses his her lifestyle what goods are necessary and what luxuries can be afforded the opportunity to enjoy this world food drink entertainment in various countries ta log kende alag alag jo facilities ne unna nu enjoy kar sakde ne on the other hand there are some drawbacks too kende ide kuch drawbacks vi ne theek hai unna nu explain karna kar sakde otherwise inna vi bahut hai fourth question hai kende what is the product which is consumed most in your country and why keda product zyada consumed kita janda hai ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਲੈਪਟੋਪ ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਸ ਐਂਡ ਅਲੋਟ ਮੋਰ ਆਰ ਦਾ ਮੋਸਟ ਡਿਮਾਂਡਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਨਾਓਡੇਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪਾਪੂਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਨੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਅ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬਟ ਆਲਸੋ ਸੋਰਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਸੋਰਸ ਨੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਨੇ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਉਕਾ ਟੋਪਿਕ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫੋਲੋਅਪ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਓਕੇ ਫਰੈਂਡਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ